नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक साफ साफ दो चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में समझ में आई है वो चौंकाने वाली है। इस देश में कभी गंगा जमुनी तहजीब नहीं रहा। इस देश में वो लोग जिन्होंने बुद्धिज्म को ख़त्म किया, जो अमानवीय थे, जिन्होंने गैर बराबरी को बढ़ाया, जिन्होंने जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को बढ़ाया, उन्होंने धार्मिक हिंसा सबसे ज़्यादा फैलाया। सोचिए कि जब इस देश में सम्राट मौर्य का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो भारत बड़ा था। जब इस देश में मुस्लिम शासक हुए तब भी ये लोग उसके यहाँ चाटुकार बने रहे, उनके यहाँ नौकरियाँ की, नवरत्न कहलाएं। और जब इस देश में अंग्रेज आया तब भी इन्होंने उसकी नौकरी की, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तब जाके इस देश में धार्मिक हिंसा शुरू हुई 1848 और 50 के आसपास। उसके बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्होंने फसल काटा, और जिनको जाति के आधार पर वो शोषण करते थे, SC ST OBC जो आज कंस्टिट्यूशनल टर्म्स है, जो उनके मजहबी व्यवस्था में शूद्र और अछूत थे, उनको उन्होंने हिंदू कहकर एकजुट किया और मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। गोधरा दंगे की वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें एक शेड्यूल कास्ट और एक मुसलमान का चेहरा है। और आज भी OBC SC ST का इस्तेमाल दंगों में किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन कोरोना ने सारे मिथक को तोड़ दिया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बशर्ते कि इस पर कोई मीडिया अखबार बोलेगा नहीं। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं बोलूं। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मदद की हाथ उठे हैं मेहनतकशों के लिए, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो पैदल चलने वाले हो, तो वो सिख समुदाय के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने मदद की है। इसका मतलब साफ है कि कोरोना में जिस तरह से मीडिया ने उनको जमाती कह के बदनाम किया था, उसके बाद भी वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे। और जिनको जो लोग हिंदू कह के, मैं जानता हूँ सड़क पर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको हिंदू कहकर वोट के समय बहकाया जाता है, जिनसे दंगे करवाए जाते हैं, जिनको आज भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है, आज मुसलमान सबसे ज़्यादा सड़कों पर है। और मैं पूछना चाहता हूँ वो तमाम संगठन कहाँ हैं जो, चाहे वो बजरंग दल हो, RSS हो, चाहे वो हिंदू सेना के नाम पर तमाम संगठन हो, कि आपने अगर मदद की तो अपने तस्वीरें भेजिए, वीडियो वायरल कीजिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में मजहब के नाम पर क्राइम का पहला रूल होता है कि जिस क्राइम जो हुआ है उससे किसको फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में पता कीजिए। पुलिस पता करते कि अगर मेरा मर्डर हुआ है तो मेरे मर्डर से फ़ायदा किसको है, वो सबसे प्राइम एक्यूज होता है। और हिंदू मुस्लिम करने से इस देश में किस पार्टी को, किस समाज को, किस जाति को, किस कैटेगरी को फ़ायदा होता है, ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया करता हूँ तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को जिन्होंने इस पैगंबर साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, जो जकात का कंसेप्ट होता है, उन्होंने रमज़ान के बाद भी जिस तरह से जो ट्रेनें भटक जा रही है, जो चार चार दिन, पाँच पाँच दिन में ट्रेनें पहुँच रही है, 80 मौतें हो चुकी हैं ट्रेन में, ये खुद रेल मंत्रालय ने कहा है, RPF ने कहा है, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह की मदद की है वो शानदार है, तारीफ़ के काबिल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, शर्मिंदा होना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने कोरोना को मुसलमानों से जेरा, जो इस देश में मुसलमानों को कट्टर कहते हैं, जिस देश में मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ, इस धरती पर कोई मानवीय स्वरूप किसी का उभरा है भारत में, तो वो मुसलमानों का, सिखों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का, और वो तमाम लोग जो मजहबी आतंकवाद फैला के, धार्मिक उन्माद फैला के, सांप्रदायिकता फैला के जहर बोते हैं, राजनीति करते हैं, वो सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। चाहे वो हेमंत सोरेन हो, उन्होंने मदद की है, मायावती, उन्होंने मदद की, अखिलेश ने मदद की, तेजस्वी ने मदद की, स्टालिन ने मदद की है, बहुत कम मदद की, 1-2 RSS के मुझे वीडियो आज तक मिले हैं स्टेशन पर खाना पहुंचाते हुए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब दुनिया की सबसे बड़ा संगठन है आप, जब इस देश में सत्ता आपकी है, और बाकी BJP के नेता कैसे सोचते हैं वो शिवराज सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है उससे समझ सकते हैं। शुक्रिया इस देश के मुस्लिम भाइयों, आपका मानवता, ये समाज, ये देश कृतज्ञ रहेगा जिस तरह से आपने लोगों की मदद की है, खाना पहुंचाया है। मुझे लगता है सबसे बड़ा यही धर्म होता है, इंसानियत, मानवता, और उसको आपने जिंदा रखा है। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए, आपको जितना तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर मदद की है वो शुक्रिया के काबिल हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग, मुसलमान
गिरफ्तारी तक झेल रहे हैं मदद करने की वजह से। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, किसने सबसे ज़्यादा मदद की है बढ़ चढ़ के, अपनी प्रतिक्रिया अपना रिस्पॉन्स जरूर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।